गुड इवनिंग एवरीवन, प्लीज पुट योर अटेंडेंस इन द चैट बॉक्स एवरीवन। अनुज, धीरज, अविघ्ना एंड धीरज, दीज पीपल हैव पुट द अटेंडेंस। आई थिंक जय इज रिमेनिंग। जय, प्लीज पुट योर अटेंडेंस। ओके, दैट्स फाइन। सो आई हैड गिवन यू वन होमवर्क एंड लेट मी चेक हाउ मेनी ऑफ यू हैव कंप्लीटेड दैट। ओके, सो जस्ट गिव मी फ्यू सेकेंड्स, आई एम चेकिंग इट राइट नाउ। नाइन्थ साइंस, ओके। सो जय हैज सबमिटेड आई थिंक, एंड धीरज, धीरज यू हैव ऑलरेडी सबमिटेड आई थिंक। ओके, यू डोंट हैव टू वरी। धीरजचा होमवर्क सबमिट केलेला आहे, धीरज तो बहुतेक केलेला आहेस, बरोबर? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट तुझा होमवर्क आलेला आहे इथे, ठीक आहे। आणि जयचा होमवर्क आलेला आहे, ओके। आणि बाकी मग सी द्विजेश, दॅट इज नॉट द प्रॉपर रिझन। ओके, होमवर्क करण्यासाठी रेंज कशाला लागते? यू यू जस्ट नीड बुक अँड नोटबुक। ओके, बुक आणि नोटबुक जर असेल तुझ्याकडे, यू कॅन डू द होमवर्क अँड यू कॅन अपलोड द होमवर्क इवन 5 मिनिट्स बिफोर यू आर टुडेज क्लास, इजंट इट? सो इफ यू आर एबल टू अटेंड टुडेज क्लास, दॅट मीन्स यू कॅन श्युअरली अपलोड युअर होमवर्क ऑल्सो ना? दॅट इज नॉट द प्रॉपर रिझन टू टेल। ओके ओके, जयने पण होमवर्क अपलोड केलेला आहे। आता कोण कोण बाकी आहे मग होमवर्क अपलोड करायचं? अविघ्ना, द्विजेश आणि अनुज या लोकांनी होमवर्क अपलोड केलेला नाहीये। ओके सर, तर मला एक सांगा, तुम्ही होमवर्क केलाय का, म्हणजे लिहिलाय का नोटबुकवरती? अविघ्ना, द्विजेश आणि अनुज, दिस क्वेश्चन इज फॉर यू। हॅव यू कम्प्लीटेड युअर होमवर्क? येस ऑर नो, पुट इन द चॅट बॉक्स क्विकली। अविघ्ना, अनुज, द्विजेश। अनुज ने हाफ केलेला आहे, अविघ्ना ने केलेलाच नाहीये बिलकुल। ओके, आणि द्विजेश ने कंप्लीट नाही केलेला। ओके ठीक आहे, वॉट अबाउट यू मैत्रेय, हॅव यू कम्प्लीटेड द युअर होमवर्क? मैत्रेय, हॅव यू कम्प्लीटेड युअर होमवर्क? ओके फाइन। सो हा होमवर्क इतका आवश्यक आहे, नेसेसरी आहे तुमच्यासाठी, की म्हणजे ह्या ज्या कन्सेप्ट आहेत ना, ऑल दीज कन्सेप्ट आर व्हेरी इम्पॉर्टंट। ओके, दीज कन्सेप्ट आर व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट, अँड दीज कन्सेप्ट आर गोइंग टू हेल्प यू इन फ्युचर, इन 10th स्टँडर्ड एज वेल एज 11th, 12th स्टँडर्ड अँड फर्दर। तर तुम्हाला ह्या गोष्टींचा खूप उपयोग होणार आहे. ओके, म्हणजे ह्या गोष्टी, दीज आर बेस अँड दिस इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट, यू मस्ट नो ऑल द थिंग्स। सो फॉर दॅट पर्पज ओनली आय एम जस्ट रिवाइजिंग अ फ्यू थिंग्स अँड देन वील प्रोसीड विथ आवर नेक्स्ट टॉपिक. ओके, सो पोल, वॉट इज पोल? सो द मिडल पॉइंट, ओके, ऑन द मिरर इज कॉल्ड एज द पोल. सो हियर पोल इज दिस पी. ओके, आय होप यू ऑल नो दिस. यू जस्ट कीप पुटिंग युअर युअर रिस्पॉन्सेस इन द चॅट बॉक्स. ओके, आय नीड रिस्पॉन्सेस फ्रॉम यू. पोल, आय होप यू नो द पोल, दिस इज पोल. नाउ सेंटर ऑफ कर्वेचर, एंड वी एज वी ऑल नो दैट आवर मिरर, दैट इज स्पेरिकल मिरर, इज नथिंग बट पार्ट ऑफ अ स्पेयर. एक स्पेयर का वो पार्ट होता है, एंड इफ वी आर टॉकिंग अबाउट अ स्पेयर,
देन दॅट स्पेअर शुअरली नीड टू हॅव वन सेंटर. म्हणजे एक स्पेअर जर असेल तर त्या स्पेअरचं एक सेंटर वर असणार ना ऑब्विसली. सो दॅट सेंटर इज नथिंग बट सेंटर ऑफ कर्वेचर. ओके, अँड दॅट इज डिनोटेड बाय सी हियर. सो दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर. आफ्टर दॅट नेक्स्ट टर्म इज वॉट? नेक्स्ट टर्म इज रेडियस ऑफ कर्वेचर. रेडियस ऑफ कर्वेचर इज डिस्टन्स ऑफ डिस्टन्स बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द मिरर एज. मतलब कोई भी डिस्टेंस आप ले लीजिए, यहाँ पे सी पी भी रेडियस ही है, सी ए भी रेडियस है, या फिर मैं यहाँ पे ऐसे ड्रॉ करूंगा सी बी. सो अगेन दिस इज अ रेडियस, दिस इज जस्ट लाइक अ सर्कल. ओके, बट देर इज अ डिफरेंस इन सर्कल एंड स्पेयर एंड आई होप यू नो द डिफरेंस वेरी वेल. नाउ प्रिंसिपल एक्सिस. प्रिंसिपल एक्सिस इज वॉट? प्रिंसिपल एक्सिस इज द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एज वेल एज द पोल ऑफ द मिरर. पोल एंड द मिरर, इन दोनों में, पोल एंड द कर्वेचर, इन दोनों में से जो लाइन पास होती है दैट इज कॉल्ड एज द प्रिंसिपल एक्सिस. नाउ प्रिंसिपल फोकस. अभी प्रिंसिपल फोकस क्या होता है कि इफ द रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. सी व्हाट आई एम सेइंग, पे अटेंशन. इफ द रे इज द इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू दिस प्रिंसिपल एक्सिस, then the reflected ray will pass through a certain point and that point is called as principal focus. See, ये दोनों rays जो जो थे, ये पहला ray और ये दूसरा ray, ये दोनों rays principal focus, sorry, principal axis को parallel थे and after reflection they are passing through a certain or the similar point and that point is called as principal focus, that is denoted by F here. Okay. So these are the concepts. After that, which is that, what is that? Focal length. The distance between pole and the principal focus of the mirror is called the focal length. So basically this distance, FP, PF, these distance is called as the principal, sorry, not it is principal, it is focal length, that is denoted by small f, I guess. Yes, it is denoted by small f. So these are the things you must know. Is voice breaking a bit for others? No, it's not breaking. We just check your connection. Okay. Now drawing a reflected ray. So you people remember this? We have covered this topic also. Apan ha topic cover kelela ahe. Yes, please rejoin Dvijesh. Apan ha topic cover kelela ahe ki reflected ray draw kasa karayacha. Okay, how do we draw the reflected ray on a spherical mirror? Plane mirror पे तो same ही था, मतलब plane mirror पे easy है ना, अगर जिस angle से आ रहा है उसी angle से reflect back हो जाएगा. लेकिन in case of spherical mirror, let us suppose this ray is striking at this point, ray AQ is striking at this point, then what we do? We draw the radius of this curvature QC and we measure the angle, this angle. After that, on the same measure of angle, we draw a reflected ray. So this is how the reflected ray is drawn. Okay. क्या करना है? जो ray आया है, उसी point पे हमें एक radius draw करनी है. और उस radius के साथ में उस incident ray का जो angle रहेगा, वही उसी एंगल पे हमें एक रिफ्लेक्टेड रे ड्रॉ करना है. दैट इज वेरी इजी. ओके, सो आफ्टर दैट वी हैव सीन दीज थ्री पॉइंट्स आल्सो. इफ द इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस देन इट पासेस थ्रू द प्रिंसिपल फोकस आफ्टर इट्स रिफ्लेक्शन. सिमिलरली इफ द इंसिडेंट रे इज पासिंग थ्रू प्रिंसिपल फोकस, so after reflection it must go parallel to the principal axis, that is second rule. And third rule is if the incident ray is passing through the center of curvature C, then the reflected ray also follows the same path. मतलब कि जहां जिस रास्ते से वो ray enter हुआ है या फिर आया है उसी रास्ते से वो reflect back हो जाएगा if the ray is passing through this C. So what my point here is, you must be clear about this C, F and P. These things are very, very important.
तो बताओ किस किस को ये सी एफ और पी क्लियर है? एवरीवन जस्ट पुट इन द चैट बॉक्स सी एफ एंड पी। इफ यू डोंट नो द टर्म, इफ यू डोंट नो एनी टर्म, डोंट मेंशन इट। सी एफ पी, सी फॉर सेंटर ऑफ कर्वेचर, एफ फॉर द प्रिंसिपल फोकस एंड पी फॉर द पोल। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स। विदाउट दीज टर्म्स यू कैन नॉट अंडरस्टैंड फर्दर चैप्टर एज वेल एज फ्यू चैप्टर्स इन द 10th स्टैंडर्ड एज वेल। ओके द्विजेश, मैत्रेय, जय, यू पीपल हैव आंसर्ड, वेरी गुड। व्हाट अबाउट अदर्स? द्विजेश, आई होप आई एम नाउ क्लियरली ऑडिबल टू यू। ओके गुड, सी एफ पी, ओके गुड, चलो सबको समझ में आ गया है मतलब ये। नाउ इमेजेस फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर। नाउ वी हैव टू परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट बट वी कैन नॉट एक्चुअली परफॉर्म, वी विल जस्ट गो थ्रू इट। मटेरियल नीडेड इज कैंडल और ग्लास लैम्प, टू कार्डबोर्ड बॉक्सेस, लार्ज कार्डबोर्ड शीट, व्हाइट पेपर, कॉनकेव मिरर, मीटर रूल एंड वुडन ब्लॉक। ओके सो सी, टेक द कार्डबोर्ड बॉक्स लार्ज इनफ टू होल्ड द कैंडल और द लैम्प, कट वन साइड एंड द प्लेस कैंडल इन साइड, कट आउट एन एरो शेप्ड स्लिट फ्रॉम वन साइड सो दैट वी कैन गेट एरो शेप लाइट सोर्स, मेक स्क्रीन साइज ऑफ 20 सेंटीमीटर इंटू 30 सेंटीमीटर बाय स्टिकिंग अ व्हाइट पेपर ऑन द कार्डबोर्ड शीट एंड सेट इट अप वर्टिकली विद द हेल्प ऑफ वुडन ब्लॉक, फिक्स द मिरर वर्टिकली ऑन द अदर कार्डबोर्ड बॉक्स बाय मेकिंग अ स्लिट ऑन इट्स टॉप सरफेस, प्लेस द स्क्रीन नियर अ विंडो एंड प्लेस द मिरर इन फ्रंट ऑफ इट सच दैट द इमेज ऑफ सम और सम फार अवे ऑब्जेक्ट्स फॉर्म्स क्लियरली ऑन द स्क्रीन, मेजर द डिस्टेंस बिटवीन द स्क्रीन एंड द मिरर इन दिस सिचुएशन, दिस इज द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। सो इसमें हमें बताना क्या चाहते हैं बोलो। ओके, दे आर ट्राइंग टू टेल अस अबाउट द फोकल लेंथ। फोकल लेंथ हमें मतलब क्या होती है एग्जैक्टली? सो ये एक्सपेरिमेंट जो है जब हम करेंगे तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। ओके, मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। आई जस्ट टेक वन अनदर एग्जाम्पल। आपने कभी बाइनाकुलर देखा है? बाइनाकुलर में से देखा है? हैव यू सीन थ्रू बाइनाकुलर्स? यस, यू हैव सीन थ्रू द बाइनाकुलर्स। ओके सो बाइनाकुलर्स का जो प्रिंसिपल है, और बाइनाकुलर्स यानी कि दूरबीन जिसे हम कहते हैं ना, दूरबीन। यस सो उसका काम जो है वो मिरर की तरह ही होता है। उसमें भी फोकल लेंथ रहती है एंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, मतलब ऑल द थिंग्स आर सेम। लेकिन माय पॉइंट हियर इज कि लेट अस सपोज इफ यू वांट टू वॉच एट फार डिस्टेंस, मतलब कि आपको बहुत दूर देखना है थ्रू द बायनाकुलर्स, सो देयर इज वन नॉब, यू टर्न दैट नॉब एंड एडजस्ट द व्यू। मतलब कि उस नॉब को आप घुमाते हो और उस व्यू को आप एडजस्ट करते हो, तो आपको क्या होता है, थोड़ा सा व्यू क्लियरली दिखाई देने लगता है। ठीक है, वही आपको अभी उसी सेटिंग पे अगर आप नजदीक की चीजें देखना चाहो तो आपको वो चीजें थोड़ी सी ब्लरी दिखाई देगी। सो व्हाट यू डू, यू अगेन एडजस्ट द नॉब एंड मेक द पिक्चर क्लियर। ओके सो व्हाट एक्चुअली यू आर डूइंग देयर, आप लोग वहां पे कर क्या रहे हो एक्चुअल में? यू आर जस्ट एडजस्टिंग द पोजिशन ऑफ दोज टू मिरर्स और लेंसेस, उन दो लेंसेस की आप पोजीशन एडजस्ट कर रहे हो सो दैट द फोकल लेंथ मैचेस, फोकल लेंथ मैच हो। इस तरीके से आप क्या कर रहे हो, उस बाइनाकुलर के अंदर जो लेंसेस लगे हैं उनको एडजस्ट कर रहे हो थ्रू दैट लैब, सॉरी नॉब। ओके सो इससे क्या होता है कि फोकल लेंथ एडजस्ट होने का फायदा क्या है? सी, इफ दिस इज अ मिरर, ओके इफ दिस इज अ मिरर एंड द रेज आर स्ट्राइकिंग लाइक दिस, सो इट विल गो थ्रू दिस, दिस इज अ फोकल पॉइंट। ओके अगेन वन रे इज कमिंग लाइक दिस, सो अगेन गोइंग इट इज गोइंग थ्रू दिस, ओके लाइक दिस। सो ये चार रेज आ गए हैं, तो इन चार रेज को अगर मुझे एक साथ देखना है, इफ आई वॉन्ट टू वॉच दीज फोर रेज एट अ टाइम, सो वॉट आई हैव टू डू, माई विजन शुड बी हियर, मेरा आंख जो है यहाँ पे होना चाहिए।
माई आई शुड बी हियर, इफ माई आई इज हियर देन आई विल बी एबल टू सी द फुल पिक्चर, देन आई विल बी एबल टू सी द फुल पिक्चर, बट इफ माई आई इज समवेयर एल्स, लेट अस सपोज माई आई इज एट दिस पोजिशन, सो आई वोंट बी एबल टू सी दीज टू रेज, ये दो जो रेज है ये यहाँ से आ गए और ये रिफ्लेक्ट होके चले भी गए, लेकिन मुझे दिखाई नहीं देगी। सो वॉट इज द पॉइंट कि जो फोकल लेंथ होती है वो फोकल लेंथ हमारे आई के लेवल पे हमें एडजस्ट करनी पड़ती है सो दैट वी कैन सी द होल पिक्चर। ओके, सो दैट इज वॉट इज टोल्ड इन दिस एक्सपेरिमेंट, कि इसमें हमें क्या करना है, उस कार्डबोर्ड के अंदर एक लैंप रखना है, यहाँ पे एक मिरर है, एंड वी आर ट्राइंग टू फॉर्म वन पिक्चर। ओके, यहाँ पे एक पिक्चर फॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं, एंड वी आर चेंजिंग द पोजिशन ऑफ दीज टू बॉक्सेस, दिस वुडन स्टैंड एंड द कार्डबोर्ड बॉक्स, इनकी पोजिशन चेंज करके वी आर ट्राइंग टू गेट अ क्लियर पिक्चर ऑफ द एरो दैट वी हैव कट इट। ओके, हमने जो एरो कट किया है ना, तो उसका एक क्लियर पिक्चर हमें मिलना चाहिए, रिफ्लेक्शन एक मिलना चाहिए। सो इसके लिए वी आर एडजस्टिंग देयर पोजिशन, दैट मीन्स वी आर एडजस्टिंग द फोकल लेंथ। ओके, नाउ सेटअप द एक्सपेरिमेंट एज शोन इन फिगर 11.10 इन द डार्क रूम, प्लेस द मिरर नियर 0 मार्क ऑन द मीटर स्केल, प्लेस द स्क्रीन इन फ्रंट ऑफ इट एंड प्लेस द लाइट सोर्स इन बिटवीन द टू सो दैट द डिस्टेंस बिटवीन मिरर एंड द सोर्स इज लिटिल मोर देन द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, ऑब्टेन अ क्लियर इमेज ऑफ सोर्स ऑन द स्क्रीन बाय मूविंग द स्क्रीन अलॉन्ग द मीटर स्केल एंड परपेंडिकुलर टू इट, द इमेज विल बी इन्वर्टेड एंड लार्जर देन द सोर्स एज द इमेज इज ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन इज रियल एंड लार्ज, नाउ मूव द सोर्स अवे फ्रॉम द मिरर सो दैट द डिस्टेंस बिटवीन टू इज ग्रेटर देन द ट्वाइस ऑफ द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, गेट अ क्लियर इमेज ऑन द स्क्रीन बाय मूविंग इट टुवर्ड्स द मिरर, द इमेज इज इन्वर्टेड स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट एंड रियल। सो इसमें देखिए व्हाट वी आर गोइंग टू सी, सी यहाँ पे आपका मिरर है, ओके लेट अस सपोज यहाँ पे आपका मिरर है एंड यहाँ पे आपकी कार्डबोर्ड की स्क्रीन है एंड यू आर पुटिंग द लाइट सोर्स हियर, तो आप अगर यहाँ पे लाइट सोर्स पुट कर रहे हो तो इसमें से कुछ लाइट यहाँ पे जाएगी एंड रिफ्लेक्ट होके आपको कुछ एक इमेज दिखाई देगी, सो दैट इमेज विल बी रिवर्टेड इमेज या फिर इनवर्टेड इमेज, जो उल्टा इमेज हम कहते हैं ना, कि ये जो पॉइंट है यहाँ पे जाएगा और कहीं तो यहाँ पे स्ट्राइक हो जाएगा। ओके, लाइक ये जो टॉप वाला पॉइंट है वो नीचे से जाके यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा, मतलब ये जो कार्डबोर्ड स्क्रीन है, इस कार्डबोर्ड स्क्रीन पे आपको इस लाइट सोर्स की इमेज दिखाई देगी थ्रू थ्रू दिस मिरर, बट द इमेज विल बी लार्ज एंड इनवर्टेड। तो ये इनवर्टेड इमेज क्यों होती है ये हमने देखा है। सो ये जो दो यहाँ पे फिगर्स दी है, सो इन दो फिगर्स को समझने के बाद में आपको समझ में आएगा कि ऐसा क्यों होता है एंड हाउ द फोकल लेंथ इज इम्पॉर्टेंट फॉर द साइज ऑफ इमेज, मतलब कि इमेज की जो साइज है वो बड़ी रहेगी अपने एक्चुअल ऑब्जेक्ट से या फिर ऑब्जेक्ट से छोटी रहेगी या फिर ऑब्जेक्ट की जितने ही रहेगी, दैट डिपेंड्स ऑन द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब वो ऑब्जेक्ट एग्जैक्टली रखा कहाँ पे गया है। सो कुछ चीजें हम यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं, दो इमेजेस यहाँ पे दी है, सी दिस इज अ कॉनकेव मिरर, आई होप यू डोंट हैव डाउट इन दिस मिरर एटलीस्ट, ठीक है। सो द ऑब्जेक्ट ए बी इज प्लेस्ड हियर, ए बी इज प्लेस्ड हियर एंड ए बी जो रखा है हमने सी और एफ के बीच में रखा है। ओके, ए बी कहाँ पे रखा है हमने, सी और ए के बीच, सॉरी सी और एफ के बीच में हमने रखा है, सी इज फॉर सेंटर एंड एफ इज फॉर फोकल लेंथ, मतलब कि फोकल लेंथ से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में हमने कोई ऑब्जेक्ट रखा है। सो सी वन रे थ्रू दिस लाइक गो हियर एंड द रिफ्लेक्टेड रे विल बी हियर। ओके, सिमिलरली द रे विल गो थ्रू हियर एंड इट विल रिफ्लेक्ट बैक बैक हियर। सो इस ए की जो इमेज है, ए बी की इमेज यहाँ पे ए वन बी वन फॉर्म हो रही है, सो दिस इज द इमेज ऑफ दिस ए बी, लेकिन इफ यू सी द इमेज इज इन्वर्टेड एज वेल एज द इमेज इज बिगर देन द एक्चुअल ऑब्जेक्ट, ठीक है, क्या है, इमेज एक तो इन्वर्टेड है एंड इट इज बिगर देन द एक्चुअल ऑब्जेक्ट, सो व्हाट शुड बी आवर फर्स्ट कंक्लूजन, आवर फर्स्ट कंक्लूजन शुड बी, यू कैन राइट इट, ओके यू कैन राइट द कंक्लूजन, इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर
एंड द प्रिंसिपल फोकस, सी आई एम रिपीटिंग इट, इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द प्रिंसिपल फोकस एफ, देन द फॉर्म्ड इमेज विल बी, देन द फॉर्म्ड इमेज विल बी इनवर्टेड एंड बिगर देन द एक्चुअल ऑब्जेक्ट. ओके, डिड यू अंडरस्टैंड दैट सेंटेंस? पहला जो प्रिंसिपल है या फिर पहली जो प्रॉपर्टी है वो आपको समझ में आई? ऑब्जेक्ट की पोजीशन किस तरह से मैटर करेगी इन द फॉर्मेशन ऑफ इमेज? यस और नो? डिड यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? ओके, हाउ मेनी ऑफ यू हैव रिटन द सेंटेंस? जस्ट पुट बैक द सेंटेंस इन द चैट बॉक्स. जो मैंने अभी कहा वो आप चैट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं क्विकली. ओके, आई विल रिपीट, बट लेट मी सी हाउ मेनी ऑफ यू हैव रिटन द सेंटेंस और डू यू रिमेंबर द सेंटेंस. Nobody has written the sentence in the chat box also. If someone is typing, then please send the portion that you have already typed. अगर आप टाइप कर रहे हो तो सेंड कर दो जितना टाइप किया है उतना, so that I need not to wait further. Nobody. Okay. So see, I'm repeating the sentence once again. Pay attention. Everybody has to write the sentence in the chat box. Okay. See, if the object is placed between C and F, if the object is placed between C and F, here लिखना नहीं है, here लिखना नहीं है. Here object is AB. Okay. If the object is placed between C and F, then the formed image will be inverted as well as bigger than the actual object. ठीक है, if the object is placed between C and F, then the formed image will be inverted and bigger than the actual object. ओके, सो आप लोगों ने लिखा है आपका फायदा, नहीं लिखा है आपका नुकसान. अच्छा ठीक है, सो यहां पे अगर आप देखोगे तो सी मैत्रेय हैज रिटन दिस, दिस काइंड ऑफ सिंसेरिटी इज नेसेसरी. ओके, अविग्ना. ओके, अविग्ना हैज आल्सो रिटन, इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन सी एंड एफ, फॉर्मड इमेज विल बी इन्वर्टेड एज वेल एज बिगर देन द एक्चुअल ऑब्जेक्ट. वेरी गुड. Dvijesh, if the object is between C and F, the formed image will be inverted and bigger than the actual object. Very good. Very good, Jay. Very good, Dvijesh. Now only Anuj and Dheeraj are remaining. You have to make this habit, okay? You people have to make this habit. आप लोगों को ये लिखने की आदत रखनी चाहिए. इफ यू आर नॉट राइटिंग इन द चैट बॉक्स, यू शुड राइट. ओके, धीरज ने पण लिहिलंय आणि अनुज ने पण लिहिलंय. वेरी गुड. ठीक आहे, तर तुम्ही ही लिहायची, म्हणजे लिहायची जी सवय आहे ती टाका. ओके, ज्यावेळेस कोणी शिकवतंय ना, सो सी,
एक तास असतो आपल्याकडे, टीचरकडे एक तास असतो. मग तुम्हाला जर प्रत्येक गोष्ट जर लिहून द्यायला जातील टीचर्स, तर ते पॉसिबल नाही आहे त्यांच्यासाठी. ओके, सो इट शुड बी युअर ड्युटी, युअर जॉब, की आपण आता ऑनलाईन लेक्चरला बसतोय. सो ऑनलाईन लेक्चरला बसतोय म्हणजे आपलं कॉन्सन्ट्रेशन ऍक्च्युअली इतकं नसतं. दॅट इज ट्रू, दॅट इज फॅक्ट. ओके, आजूबाजूचं जे आपल्याला डिस्टर्बन्स असतो त्याच्यामुळे आपलं कॉन्सन्ट्रेशन इतकं नसतं लेक्चरवरती. सो वी हॅव टू मेक मोस्ट ऑफ इट, म्हणजे आपल्याला जास्तीत जास्त त्याच्यातून कसं घेता येईल हे पाहायला पाहिजे. मग ज्यावेळेस सर शिकवतात, मी शिकवतोय किंवा समबडी एल्स इज टीचिंग यू, सो इट्स युअर ड्युटी. सो यू यू राईट इट, म्हणजे तुम्हाला ते लिहून घ्यायचंय. मी जे काही सेंटेन्स बोलतोय किंवा जे तुम्हाला इम्पॉर्टंट गोष्टी वाटतात, तुम्ही एक नोटबुक बनवा. प्रत्येकाने एक नोटबुक बनवायला पाहिजे, त्याच्यामध्ये लिहून घ्यायचे पॉइंट. त्याने काय होतं, एक तर आपण लेक्चरमध्ये एंगेज राहतो आणि लिहिल्यामुळे आपल्या मेमरीमध्ये ते जास्त दिवस राहतं, किंवा ते म्हणजे आपण जास्त चांगल्या प्रकारे त्याला ग्रास्प करू शकतो. ओके, सो यू हॅव टू पुट दॅट हॅबिट. फक्त मोबाईल घेऊन बसताय, सर काय बोलतायत अर्ध बोललेलं ऐकायला येते, अर्ध बोललेलं ऐकायला येत नाही, आज जे झालं ते झालं, संपलं ते लेक्चरचा आपला काही नंतर संबंध नाही, असं बोलून चालत नाही ना. सी, तुम्हाला काही एखादी कन्सेप्ट समजली नाही, सो लेक्चर्स आर अवेलेबल ऑन युट्यूब ऑल्सो. युट्यूबवरती तुम्ही परत जाऊन बघू शकता की मला हा हा कन्सेप्ट समजला नव्हता. ओके, सो सी, ही जर तुम्ही हॅबिट ठेवाल तर तुम्हाला पुढे याचा खूप फायदा होईल. ज्यावेळेस तुम्ही 11 12 जाणार किंवा मग तुमच्या ग्रॅज्युएशन साठी जाणार, सो दीज थिंग्स मॅटर अ लॉट. अँड आय एम टॉकिंग दॅट फ्रॉम माय एक्सपिरियन्स, मी माझ्या अनुभवाने तुम्हाला सांगतोय. ओके, मी म्हणजे मला काही तुम्हाला उगाच त्रास द्यायचा म्हणून तुम्हाला सांगत नाहीये की हे लिहून घेत जा वगैरे. दॅट्स अ गुड हॅबिट, अँड इफ यू आर कम्फर्टेबल नाऊ देन यू विल बी मच कम्फर्टेबल लेटर. ठीक आहे, सो पुट दॅट हॅबिट. सो सी, आता जोपर्यंत मी ह्या इमेज विषयी बोलतोय, कुणी ह्या इमेज विषयी विचार केला का? हॅव एनी वन थॉट अबाउट दिस इमेज, की ह्या इमेज मध्ये काय ऍक्च्युअली होते? सी, मी थोडस या इमेजला झूम करतो. ठीक आहे, तर ह्या इमेजला मी झूम करतोय, तर तुम्हाला ह्या इमेज मध्ये बघायचंय आणि तुम्हाला चॅटबॉक्स मध्ये लिहायचंय, किंवा मग तुम्ही तुमचं माइक देखील ऑन करू शकता आणि मला ह्या इमेज विषयी एक्सप्लेन करून सांगायचंय की आय थिंक दिस दिस अबाउट दिस इमेज, म्हणजे ह्या इमेज विषयी मला असं असं वाटतं. की आपण पहिली इमेज बघितली ना, पहिली इमेज मध्ये आपण बघितलं की जो ऑब्जेक्ट ठेवलेला होता तो सी आणि एफ च्या मध्ये ठेवलेला होता. ओके, तर आता इथे ऑब्जेक्ट कुठे आहे तुम्ही बघू शकता. नंतर त्याचं रिफ्लेक्शन होऊन तो कुठे जातोय, म्हणजे त्याची जी इमेज आहे ती कुठे जातीये ते तुम्हाला बघायचंय. डिड यू गेट दॅट? ओके, सो सी, ट्राय इट. यू कॅन यूज द चॅट बॉक्स एज वेल एज युअर माइक ऑल्सो, नो डाउट, नो प्रॉब्लम. चला, हुज गोना ट्राय? यू हॅव टू डू मोस्ट ऑफ द थिंग्स. जास्तीत जास्त गोष्टी तुम्हाला करायच्या आहेत. प्रत्येक गोष्ट मी एक्सप्लेन करून सांगणार, मग तुम्ही फक्त ऐकणार असं नाही चालत ना. ओके, ट्राय इट. चलो, बघा आता इमेज मध्ये काय दिलेलं ते बघा, तर ऍटलीस्ट ट्राय तर करा. ओके, आय होप यू पीपल आर ट्राइंग, हा, बिकॉज आय एम गोना आस्क क्वेश्चन्स नाउ. मी तुम्हाला वेळ देतो याचा अर्थ असा नाही की बाकीच्यांनी शांत बसायचं, मी परत सांगून देईल सगळं. ओके, नोबडी. सी, पहिलं सेंटेन्स, फर्स्ट सेंटेन्स, अगोदरचं फर्स्ट सेंटेन्स काय होतं? इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन सी अँड एफ. नाउ हेअर फर्स्ट सेंटेन्स विल बी व्हॉट? इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन व्हॉट? एफ अँड पी, पी आणि एफ च्या मध्ये ऑब्जेक्ट ठेवलेला आहे. ए बी इज आवर ऑब्जेक्ट. ओके, इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन
If we place the object of the position shown in figure, the reflection will be at the same principal focus as the incident ray is parallel to. Okay. So I just need more explanation, Maitreya. See, if the object is placed between F and P, मतलब focal length और pole के बीच में अगर हमने object रखा है, so as you can see, तो ये जो ray है, ये यहां से रे आया एंड इट इज गोइंग लाइक दिस. ये जो रे है ये यहां से आया, सॉरी ये रे जो है ये यहां से आया एंड इट इज गोइंग बैक लाइक दिस. तो ये दो रेज जो है वो इस तरह से चले गए, लेकिन ये जो दो रेज है वो कहीं ना कहीं पे यहाँ पे कन्वर्ज होंगे बिहाइंड द मिरर. सो द इमेज विल बी इरेक्ट. इरेक्ट यानी कि क्या, सीधी, मतलब कि अभी उल्टी नहीं है. द इमेज विल बी इरेक्ट एज वेल एज बिगर देन द ऑब्जेक्ट एंड वर्चुअल. व्हाट इट विल बी? वर्चुअल. व्हाई वर्चुअल? बिकॉज इनसाइड मिरर देयर इज नथिंग. मतलब ये जो इमेज फॉर्म हो रही है वो कहाँ पे हो रही है फॉर्म? इमेज मिरर के राइट साइड में हो रही है, यानी कि मिरर के अंदर ये इमेज फॉर्म हो रही है. सो दिस इमेज इज वर्चुअल इमेज, दिस इज नॉट अ रियल इमेज. यहाँ पे जो इमेज फॉर्म हो रही है वो मिरर के बाहर फॉर्म हो रही है. सो दिस दैट इज रियल इमेज, बट दिस इमेज इज वर्चुअल. दिस इमेज इज वर्चुअल. सो योर सेंटेंस शुड बी, इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन एफ एंड पी, देन द फॉर्म्ड इमेज विल बी बिहाइंड द मिरर और इनसाइड द मिरर. द इमेज विल बी इरेक्ट एज वेल एज बिगर देन द ऑब्जेक्ट एंड द इमेज विल बी वर्चुअल. तीन चीजें कौन सी? एक तो इमेज कैसी रहेगी, इरेक्ट रहेगी. सेकेंड थिंग इज इमेज कैसी रहेगी, बिगर रहेगी. एंड थर्ड थिंग इज इमेज कैसी रहेगी, वर्चुअल रहेगी. बिकॉज इसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है. सी मिरर के अंदर थोड़ी ना हम को, मतलब कोई इमेज थोड़ी निकाल सकते हैं. सो मिरर के अंदर जो इमेज बन रही है दैट इज वर्चुअल इमेज, दैट इज नॉट द रियल इमेज. ओके, सो दिस शुड बी द सेंटेंस. आई होप यू रिमेंबर दिस एंड यू कैन अप्लाई दिस इफ आई गिव यू एनी अदर एग्जाम्पल. सो हमने यहाँ पे क्या देखा कि प्रिंसिपल फोकस के पहले अगर ऑब्जेक्ट है तो इमेज रियल है, प्रिंसिपल फोकस के बाद में अगर ऑब्जेक्ट है तो क्या है, इमेज जो है वो वर्चुअल है. मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट अभी यहां पे है. सी इफ द ऑब्जेक्ट इज हियर, नाउ ऑब्जेक्ट इज हियर बियॉन्ड सी, सी के पास ऑब्जेक्ट है, देन व्हाट इट विल बी? बताइए अभी क्या होगा, अभी इमेज कैसी फॉर्म होगी? तो इसको निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक लाइन जो है वो तो जाएगी एफ से, दैट इज श्योर. ये गई एफ से, ये हुई यहां पे पैरेलल. ओके, एंड अनदर लाइन विल गो लाइक दिस. ओके, सो ये जो इमेज है दैट विल बी ऑफ सेम साइज. यहां पे जो इमेज फॉर्म हो रही है, सी यहां पे ऑब्जेक्ट है, यहां पे इमेज है उसकी. सो सेम इमेज, मतलब इमेज की जो साइज है, ये जो नीचे की वाली जो है ना वो इमेज है और ये ऑब्जेक्ट है. इमेज विल बी इक्वली लार्ज एज द ऑब्जेक्ट एंड द इमेज विल बी इन्वर्टेड. ठीक है, तो इस तरह से आपको रेज ड्रॉ करके निकालते आना चाहिए. नाउ इस टेबल की मदद से आप कोई भी फिगर को अच्छे से समझ सकते हो. नाउ सी पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, अभी पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट समझ रहे हो, बिटवीन पोल एंड फोकस. बिटवीन पोल एंड फोकस जो कि हमने ये बी में देखा, यहाँ पे सी पोल और फोकस के बीच में ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ए बी, तो उसकी पोजिशन ऑफ इमेज रहेगी बिहाइंड द मिरर, मिरर के अंदर, मिरर के अंदर. इट विल बी इरेक्ट एंड वर्चुअल. इरेक्ट एंड वर्चुअल मतलब कि वो सीधी रहेगी एंड इट विल बी वर्चुअल, इट विल नॉट बी रियल इमेज. एंड साइज ऑफ द इमेज मैग्निफाइड, मतलब कि लार्ज रहेगी. नाउ इफ ऑब्जेक्ट इट इज एट द फोकस, अभी देखिए ऑब्जेक्ट को हमने कहाँ पे रख दिया, फोकस पे ही रख दिया. फॉर एग्जाम्पल हमने कहाँ पे रख दिया इसे,
फोकस पे ऑब्जेक्ट को रख दिया। अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे रहता है तो पोजीशन ऑफ इमेज रहेगी एट इंफिनिटी, मतलब इंफिनिटी यानी कि इस डायरेक्शन में कहीं तो इमेज रहेगी, बहुत बड़ी इमेज होगी, लेकिन किस डिस्टेंस पे होगी ये हम नहीं बता सकते, इसीलिए इसके लिए हम इसे कहते हैं एट इंफिनिटी। नाउ इट विल बी अगेन इन्वर्टेड एंड रियल एंड द साइज ऑफ इमेज विल बी वेरी लार्ज। आफ्टर दैट बिटवीन फोकस एंड कर्वेचर ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर दैट इज एफ एंड सी के बीच में अगर रहेंगी तो बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर सी, ऑब्जेक्ट यहाँ पे है बिटवीन सी एंड एफ, देन द इमेज इज बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी इन्वर्टेड एंड लार्जर एज वेल एज रियल। सी दीज थ्री थिंग्स, इन्वर्टेड, रियल एंड लार्जर, मैग्निफाइड मीन्स लार्जर, एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अगर इमेज रहेगी तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट रहेगा तो इमेज भी वहीं पे रहेगी, इन्वर्टेड एंड रियल रहेगी एंड सेम एज द ऑब्जेक्ट। मैंने जैसे कि आपको एक ड्रॉ करके बताया था ना कि उसके नीचे ही इमेज आ रही थी, सो इट विल बी सेम एज द ऑब्जेक्ट। साइज ऑफ इमेज कैसी रहेगी, सेम ही रहेगी। नाउ बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर आप पीछे जाते हो तो व्हाट इट विल बी, द इमेज विल बी अगेन बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, इन्वर्टेड एंड रियल एंड इट विल बी डिमिनिश्ड, मतलब कि बहुत छोटी इमेज रहेगी वो। सिमिलरली इफ एट अ वेरी लार्ज डिस्टेंस दैट इज इंफिनिटी, इंफिनिटी पे कोई हमने ऑब्जेक्ट रखा है, बहुत दूर कोई ऑब्जेक्ट रखा है, तो पोजिशन ऑफ द इमेज विल बी एट फोकस, इमेज विल बी इन्वर्टेड एंड रियल एंड साइज ऑफ द इमेज विल बी पॉइंट इमेज। सो इसका जो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है वो है टेलीस्कोप, टेलीस्कोप में जो इमेज फॉर्म होती है दैट इज ऑफ द ऑब्जेक्ट विच इज एट फार डिस्टेंस, मतलब कि बहुत सारे दूर जो ऑब्जेक्ट रहता है जो भी प्लैनेट्स है उनकी इमेज फॉर्म होती है टेलीस्कोप में, एंड वी कैन ऑब्जर्व दैट थ्रू अ लेंस, सो दिस इमेज इज रियल एज वेल एज इन्वर्टेड एंड इट इज अ पॉइंट इमेज। ओके, इट इज अ पॉइंट इमेज, इट इज एट फोकस, सो बाय वेयरिंग द फोकल लेंथ वी कैन ऑब्जर्व द इमेजेस। ठीक है, तो ये टेबल जो है वो आपको समझ में आना चाहिए। इसको समझ में आने के लिए इफ यू वांट टू पुट इन द वर्क, आपको थोड़ा सा मेहनत करना है तो मैं आपको बता रहा हूँ, आपको इस तरह की जो ड्रॉइंग्स है वो ड्रॉ करके देखनी चाहिए। ठीक है, ये ऐसे आप मिरर ड्रॉ करेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करेंगे, ऑब्जेक्ट को रखेंगे, इस तरह से रेज ड्रॉ करेंगे, जो दो रेज जाएंगे ना एक जाएगा पैरेलल एक जाएगा थ्रू द प्रिंसिपल फोकस, ये पक्का रखना है आपने। और इस कंप्लीट टेबल के लिए आप ड्रॉ करके देखिए, इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, कि आपको समझ में आएगा कि इन्फिनिटी पे इमेज फॉर्म होती है यानी कहाँ पे इमेज फॉर्म होती है। ठीक है, डिमिनिश्ड इमेज या फिर पॉइंट साइज इमेज अगर फॉर्म होती है तो वो कैसे फॉर्म होती है वो भी आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो आप ये प्रैक्टिस कर सकते हो। वेबसाइट फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, फिजिक्स क्लासरूम, ये वेबसाइट है, इफ समबडी इज इंटरेस्टेड देन दे कैन वॉच और गो थ्रू दिस वेबसाइट। ड्रॉ रे डायग्राम्स एंड डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ टाइप ऑफ इमेजेस फॉर्म बाय अ कॉनकेव मिरर व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड एट इन्फिनिटी डिस्टेंस। टेल यूर आंसर्स विद द इन्फॉर्मेशन टेबल टेबल गिवन इन द टेबल। सो आप लोग ट्राई कीजिए। ओके, सी आई नो मोस्ट ऑफ यू माइट नॉट बी एबल टू ड्रॉ बट गिव इट अ ट्राई, सब लोगों ने ट्राई करना है, गलत आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सही आया तो बिल्कुल सही, लेकिन ट्राई करो, होमवर्क में आप ये अपलोड कर सकते हैं। ओके, दिस इज फॉर चैलेंजिंग फॉर योर ब्रेन, आपको ब्रेन को चैलेंज करने के लिए ये है। नहीं आता है नो प्रॉब्लम, बट इफ यू आर नॉट ट्राइंग देन देर इज अ प्रॉब्लम। ओके, सो एवरीवन प्लीज ट्राई इट। नाउ अब तक जब जो हमने देखा वो देखा कि इमेजेस फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर, नाउ वील सी इमेजेस फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स मिरर। फिगर 11.12 शोज एन ऑब्जेक्ट ए बी, सी दिस इज एन ऑब्जेक्ट ए बी एंड दिस इज अ कॉन्वेक्स मिरर दैट इज केप्ट इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर एम एन, इंसिडेंट रे ए क्यू स्टार्टिंग फ्रॉम ए एंड ट्रेवलिंग पैरेलल टू एक्सिस ए आर गोइंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर आर शोन, हाउ दिस गेट रिफ्लेक्टेड एंड फॉर्म इमेज ए डैश बी डैश कैन बी अंडरस्टूड फ्रॉम फिगर, इट इज क्लियर दैट द इमेज इज सिमिलर स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट बिहाइंड द मिरर एंड इरेक्ट एज द रिफ्लेक्टेड रेज डू नॉट एक्चुअली क्रॉस वन अनदर
द इमेज इज वर्चुअल इमेज. सो देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट ए बी रखा है. सो ए बी में से मैंने आपको बोला था ए में से आपको दो रेज निकालने हैं. मैं थोड़ा सा इसको जूम करूंगा जिससे कि आपको दिखाई देगा. एक रे जाएगा पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड अनदर रे विल गो थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर. सी इस तरह से आपको दूसरा रे ड्रॉ करना है. नाउ ये जो रे यहां से जा रहा है सेंटर ऑफ कर्वेचर से, सो वही रे उसी पाथ से रिफ्लेक्ट होता है, ये हमने सीखा है बराबर. इफ द रे पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर देन इट रिटर्न्स बाय द सेम पाथ, उसी पाथ से वो रिटर्न भी होता है. तो ये रे यहाँ पे स्ट्राइक होगा और ये वापस यहाँ पे चला जाएगा. ये रे जो पैरेलल जा रहा है दैट शुड पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस, बट यहाँ पे तो मिरर है तो यहाँ पे तो रे जाएगा नहीं. सो इट विल गो लाइक दिस इन द स्ट्रेट लाइन ऑफ फोकस और द फोकल पॉइंट. ठीक है, फोकल पॉइंट के स्ट्रेट लाइन में वो रे चला जाएगा. सो एक्चुअल में ये जो दो रे यहां से इंसिडेंस हुए हैं पॉइंट ए से, दीज टू गॉट रिफ्लेक्टेड हियर, यहाँ पे चले गए. लेकिन इनकी जो इमेज फॉर्म हो रही है दैट इज फॉर्मिंग एट दिस पॉइंट ए डैश बी डैश. क्यों ए डैश बी डैश पे फॉर्म हो रही है? क्योंकि ये दो रेज जो है दे आर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम सेम पॉइंट. सी दे आर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम ए, जहां से वो ओरिजिनेट हो रहे हैं, अगर वो एक दूसरे को किसी पॉइंट में मिलते हैं, सो एट दैट पॉइंट द इमेज विल फॉर्म ऑफ दिस पॉइंट. सो ए से जो दो रेज निकले वो यहां से यहाँ पे मिल गए एंड द इमेज इज फॉर्म्ड. सो द इमेज इज वर्चुअल इमेज. व्हाई इमेज इज वर्चुअल? बिकॉज द इमेज इज इनसाइड द मिरर. दिस इज कॉन्वेक्स मिरर, मिरर इज दिस साइड. ओके, ये जो अंदर का जो पोर्शन है ना, ये मिरर का ही पोर्शन है. तो ये जो इमेज फॉर्म हुई, ये इमेज इज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट एज वेल एज इट इज वर्चुअल, इज इट, एंड इट इज इरेक्ट ऑल्सो, इट इज नॉट इनवर्टेड. ओके, सो इस फिगर के ऑब्जर्वेशन से आपको इतनी बात समझ में आनी चाहिए कि ऑब्जेक्ट जो है दैट इज समवेयर बिटवीन एफ एंड पी. एफ एंड पी जितना डिस्टेंस यहां पे रहेगा उतना ही डिस्टेंस यहाँ पे भी इस एफ का रहेगा. ओके, फोकल पॉइंट का हम डिस्टेंस इस साइड में भी ले सकते हैं. तो सी अगर ये कॉन्वेक्स मिरर है तो आपकी जो पोजीशन ऑफ इमेज है, नेचर ऑफ इमेज है, वो चेंज होगा. इफ इट इज अ कॉनकेव मिरर देन द पोजीशन ऑफ मिरर एंड द नेचर ऑफ मिरर, सॉरी नेचर ऑफ इमेज विल बी कंप्लीटली डिफरेंट. सो यू मस्ट अंडरस्टैंड दीज थिंग्स एंड द अंडरस्टैंडिंग विल कम थ्रू प्रैक्टिस ओनली. ओके, इफ यू प्रैक्टिस दीज डायग्राम्स, इफ यू प्रैक्टिस दीज थिंग्स देन यू विल अंडरस्टैंड मोर एंड मोर एंड मोर. इफ यू आर नॉट इफ यू आर नॉट प्रैक्टिसिंग यू आर गोना फॉरगेट एवरीथिंग. यू आर नॉट गोइंग टू गेट मार्क्स इन एग्जाम फॉर दिस पर्टिकुलर चैप्टर एज वेल एज यू आर गोइंग टू फेस लॉस इन 10th स्टैंडर्ड एज वेल एज इन द 11th 12th एंड योर डिग्री. ओके, सो इमेजेस ड्रॉ कीजिए, ये सब इमेजेस. अगर कहीं पे प्रॉब्लम आ रहा है, सर आई एम ट्राइंग टू ड्रॉ दिस इमेज बट आई एम नॉट फाइंडिंग हाउ टू ड्रॉ दिस रे, वेयर दिस रे शुड गो और व्हाट शुड बी द पाथ ऑफ दिस रे, ये क्वेश्चंस आपकी तरफ से मुझे आने चाहिए. नॉट ऑन व्हाट्सएप बट ऑन गूगल क्लासरूम. अगर क्लासरूम पे आपके क्वेश्चंस आते हैं आई विल आंसर देम. ओके, आई विल आंसर देम. सो यू जस्ट ट्राई इट प्लीज पुटिंग द क्वेश्चन. ओके, सो सो दैट आपको समझ में आएगा ज्यादा से ज्यादा, वरना मैं कितना भी बताता रहूं आपको समझ में नहीं आएगा. नो, डाइवर्जेंस एंड कन्वर्जेंस क्या होता है? डाइवर्जेंस एंड कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंस यानी कि एक पॉइंट से अगर कुछ रेज बाहर जा रहे हैं, सो दैट इज अ डाइवर्जेंस. एंड इफ रेज आर कमिंग टू अ पॉइंट, सी दीज ऑल मैच स्टिक्स आर कनेक्टेड लाइक दिस, सो दिस इज अ कन्वर्जेंस. मतलब कि एक ही पॉइंट पे अगर ज्वाइंट हो रहे हैं तो कन्वर्जेंस, एंड एक ही पॉइंट से अगर डाइवर्ट हो रहे हैं, डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, देन दैट इज अ डाइवर्जेंस. ओके, नाउ कॉनकेव मिरर इज आल्सो कॉल्ड फोकसिंग मिरर, वेरी इंपॉर्टेंट. दिस इज बिकॉज एज शोन इन फिगर 11.14a, पैरेलल रेज गेट फोकस्ड आफ्टर रिफ्लेक्शन इन दिस मिरर. द साइज ऑफ द इमेज प्रोड्यूस्ड बाय दिस मिरर्स आर
Mirrors can be larger or smaller than the object depending upon the distance of the object from mirror. So main point यहाँ पे focusing mirror. Focusing mirror यहाँ पे क्यों कहा जाता है इसे? क्योंकि उसके मतलब जो parallel rays आते हैं, they are reflected to a focal point F and when image is formed, that image is real. That's why it is a focusing mirror. Okay, this is a focusing mirror. Which mirror? Concave mirror is a focusing mirror. This question can be there for 1 mark. Fill in the blanks. Okay. So it's about 7:45. I think we should stop for now. Okay. And I'll see you in the next class. Just keep drawing the things. Keep practicing. If you feel any difficulty, I'm always here for you. Okay. Chalo. So bye bye then. We'll see you in the next class. Bye bye. होमवर्क ओके होमवर्क मैंने बताया ना होमवर्क आप लोगों को वही रहेगा जो आप लोग ड्रॉ कर रहे हो ओके जो आप इमेजेस ड्रॉ करोगे ना दैट विल बी योर होमवर्क ट्राई ट्राई करना है ठीक है चलो बाय बाय ओके बाय अनुज जय अभिघ्ना बाय बाय